हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रस भरी बालूशाही की रेसिपी। तो ये देखिए किस तरह की फ्लेकी बालूशाही बन करके रेडी होती है, बिल्कुल रस से भरी हुई। तो ये देखिए मैं आपको बालूशाही तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक किस तरह से रस से भरी हुई है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितना रस है इस बालूशाही में। तो अगर आप इस तरह की बालूशाही बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखें, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, तो हलवाई से भी बढ़िया बनती है ये बालूशाही। आइए जल्दी से ये फ्लेकी बालूशाही की रेसिपी शुरू करते हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी दही के साथ बालूशाही बना करके दिखाने की, तो आज मैं वही बना करके दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 260 ग्राम मैदा लिया है और ये जो मेजरमेंट्स है मैंने इस तरह के मेजरिंग कप से लिए हैं। अगर आपके पास ये कप ना हो तो कोई मीडियम साइज की कटोरी ले लें, उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। और लगभग आधा किलो चीनी है जो कि है 2 कप, ये भी इसी कप से मेजर की है मैंने। 1 टेबलस्पून दही है, फ्रेश दही है, खट्टी वाली दही नहीं ली है। इसी के साथ यहाँ पर केसर मैंने भिगो करके रख दिया था पानी के साथ। 3 से 4 कुटी हुई इलायची है, 70 ml घी है, ये देसी घी है, आप डालडा ले सकते हैं, रिफाइंड यूज कर सकते हैं, बट घी लेंगे तो ज्यादा अच्छी बनेगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है पानी, ये भी 70 से 80 ml के करीब पानी है। इसी के साथ हम इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर, ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून, इस तरह से लेवल करके लेंगे। तो मैं इसे मैदे के साथ ही मिला रही हूँ। आइए जल्दी से हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनने के लिए रख देंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 कप चीनी डाल देंगे और 2 कप चीनी के साथ मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी। जितनी चीनी है उतना ही पानी डाल रही हूँ। अभी हमने 1 कप पानी डाला है, अब हम इसमें 2 कप भी पानी का डाल देंगे और चीनी को घुलने देंगे। हमें बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी चाशनी रेडी करनी है। चाशनी को बहुत ज्यादा ना गाढ़ा करना है ना ही कम गाढ़ा करना है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी चाशनी चाहिए हमें ताकि चाशनी अंदर तक जाए। तो चीनी को हम अच्छे से घुलने देंगे पानी के साथ। जब तक ये घुल रही है तब तक हम बालूशाही का डो लगा लेंगे। तो बालूशाही बनाने के लिए ये 2 कप मैदा है, 260 ग्राम यानी कि 1 कप 130 ग्राम मैदा आ रहा है 1 कप में, और साथ ही यहाँ पर लगभग 3 ग्राम के करीब बेकिंग पाउडर है। और अगर आप बेकिंग पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 चुटकी से भी कम सोडा लगेगा इसमें। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेकिंग पाउडर और मैदे को। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देंगे और यहाँ पर मैंने सेम बाउल ले लिया है मैदे वाला। इसमें हम डालेंगे पानी जो कि है 70 ml, ये लगभग 1/4 कप से 1 छोटा चम्मच ज्यादा है। 70 ml ही देसी घी है, घी को पिघला करके नापा है तो पिघलाने के बाद ये 70 ml है। इसी के साथ हम इसमें दही डाल देंगे, 1 टेबलस्पून दही है, और इन सब चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ये मिक्सचर जो है इसे बालूशाही का जो डो है वो लगाएंगे। तो इसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसको हमें गूंदना नहीं है, बस इस तरह से मिक्स करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। ये देखिए जैसे ही बाइंड होने लगेगा तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब पानी लिया है मैंने, और इसको इस तरह से फैला करके इसको डाल देंगे और इसको हम इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा और लगा सकते हैं, बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ इसे हमें गूंदना नहीं है। तो ये देखिए इसको हम पानी का छींटा लगा करके इस तरह इकट्ठा कर लेंगे और इसको इसी तरह से रखना है, बिल्कुल भी नहीं मसल रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं किस तरह का इसका टेक्सचर, ये देखिए बस इसी तरह का होना चाहिए। और अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इस चाशनी को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे ताकि इसमें वो थिकनेस आ जाए जो हमें चाहिए, हमें गुलाब जामुन जैसी चाशनी चाहिए। देखिए इसे इस तरह से उंगलियों के बीच में चेक करेंगे। थोड़ा सा अभी हमें इसे और पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे तो चाशनी रेडी हो जाएगी। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम दोबारा से चेक कर लेंगे। देखिए चाशनी बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी की तरह हो गई है, इसका टेक्सचर शहद जैसा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे केसर, हमने इसे 1 घंटे के लिए भिगो करके रखा था, तो आप देख सकते हैं केसर का कलर कितना अच्छा आया है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी इलायची, ताजी कुटी हुई इलायची है 4 से 5, और गैस बंद कर देंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे ताकि चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए जब तक की बालूशाही रेडी हो। तो इसे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए डो थोड़ा सेट हो गया है, हाथों को चिपक भी नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, इसे बिल्कुल भी गूंधेंगे नहीं।
देखिए आपको अभी भी इसमें लेयर्स नजर आएंगी, इसी कारण से बालूशाही फ्लेकी बनती है। तो ये देखिए हम इसे हल्का सा बेल लेंगे पहले। इसके बाद इसे बीच में से कट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से इसको डबल कर लेंगे। इसको फिर से ऐसे फैला लेंगे, हल्का सा फिर से बेल लेंगे, एक बार फिर से बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से 3-4 बार इसको लेयर कर लेंगे। ये देखिए इसमें किस तरह से लेयर्स बन गई हैं, आपको देखने से पता लग रहा होगा। ये देखिए इसको 2 टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने अब, और इसको अब हम इस तरह हाथ से लंबा कर लेंगे, लॉक बना लेंगे ताकि हम इससे बालूशाही बना सके। ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करना है हमें तेल को, बिल्कुल भी तेज गरम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 2 लॉक्स बना लिए हैं मैंने और अब हम इससे बालूशाही कट कर लेंगे। बालूशाही जो है वो फूल जाती है, तो इसलिए मैं थोड़े छोटे साइज की बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो इसलिए इसका साइज बाद में बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक ही आप इस दिवाली पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बालूशाही कैसी बनी। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करें आप तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट करें कि किस तरह की रेसिपीज पोस्ट करूँ। ये देखिए हम एक पेड़ी लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे जैसे कि हमने कट किया था, और दोनों हाथों के बीच इस तरह रोल करते हुए ये देखिए पेड़ी बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से है और ऊपर इस तरह, और इसको बीच में से और इधर दोनों तरफ से हम इसको ये देखिए इस तरह से होल कर देंगे। तो मैं इस तरह से तो एक और बालूशाही बना करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे हमने ये पेड़ी उठाई है और जिस डायरेक्शन में इसे हमने कट किया था इसको ऐसे रखेंगे, और उसके बाद दोनों हाथों के बीच इसको रोल करते हुए कोशिश करेंगे हल्का सा स्मूथ करने की। बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होगी क्योंकि बालूशाही फ्लेकी तभी बनती है अगर हम इसे बहुत ज्यादा रब ना करें। फिंगर को इस तरह निकाल लेंगे और ये होल बना देंगे। देसी घी में बालूशाही बहुत ही अच्छी बनती है और काफी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। तो मैं सभी बालूशाही ऐसे रेडी कर लूंगी। इतने मटेरियल से यहाँ पर 12 से 14 बालूशाही बन करके रेडी होती है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने घी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो घी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म किया है, लो टू मीडियम है फ्लेम। तो थोड़ा सा डो डाल करके चेक कर लेंगे। दो इसी तरह नीचे बैठा रहना चाहिए और साइड से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए काफी टाइम लगेगा इसको ऊपर आने में, अगर इससे तेज होगा तो बालूशाही जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और फूलेगी भी नहीं। तो एक एक करके हम इसमें बालूशाही डाल देंगे। तो अगर आपने घी कम लिया है तो कम ही बालूशाही फ्राई करें। तो मैंने यहाँ पर घी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही बैच में फ्राई कर रही हूँ। तो इनको बिल्कुल इसी तरह से लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे ऊपर आने देंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं छूना जब तक कि ये ऊपर नहीं आ जाती। ये देखिए धीरे धीरे इसका साइज जो है हल्का सा बड़ा हो गया है बालूशाही का। ये देखिए बालूशाही एक एक करके ऊपर आ गई हैं। अगर आप इन्हें इस स्टेज पर टच करेंगे तो ये फूट जाएंगी, जैसे कि मुझे इसे हिलाना है तो मैं इसको बस इस तरह से हल्का सा हिला दूंगी। ये जो आप झाग देख रहे हैं ये बेकिंग पाउडर के कारण है। एक बालूशाही हल्का सा पलट करके चेक कर लेंगे, बहुत ही केयरफुली पलटेंगे। देखिए तो अब सभी बालूशाही इस तरह एक एक करके हल्की सी पलट देंगे। दही के कारण इस बालूशाही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और गैस का फ्लेम अभी भी लो टू मीडियम ही है, तो इसको दूसरी तरफ से भी हल्का सा सिकने देंगे। तो अब बालूशाही पर हल्का हल्का सा कलर आने लगा है, जब इतना कलर आ जाए तो गैस का फ्लेम हल्का बढ़ा दें। बस कुछ टिप्स ध्यान में रखने हैं कि शुरू शुरू में आप बालूशाही को टच ना करें क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होती है। एक साइड से हल्का सा कलर आने पर ही बालूशाही को पलटे, और उसके बाद जब दोनों तरफ कलर आ जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, और उसके बाद बालूशाही को इस तरह से अलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। काफी ईजी है बालूशाही बनाना। अगर आपको ये बालूशाही की रेसिपी पसंद आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आप मक्खन वड़ा की रेसिपी देखना चाहेंगे, जो कि पुराने टाइम में मिलता था। इतना बड़ा साइज का मक्खन वड़ा होता था, चाशनी में लबालब। साउथ में जो मक्खन वड़ा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये वाला मक्खन वड़ा जो है वो पंजाब और हरियाणा में मिलता था, बट अब कई जगहों पर तो इसे देखने में ही नहीं मिलता। तो ये रेसिपी काफी पुरानी है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वो रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए किस तरह से कलर आने लगा है। हलवाई जो है बालूशाही की चाशनी में कलर ऐड करते हैं, ऑरेंज कलर, बट मैंने यहाँ पर कोई भी कलर ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे नेचुरल इसी तरह का कलर पसंद है, और साथ ही में मैंने केसर डाला है तो केसर का भी अपना एक कलर और टेस्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो चाशनी में केसरिया रंग यूज कर सकते हैं।
देखिए शुरू शुरू में मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था और इस स्टेज पर मैं किस तरह से इसे हिला रही हूँ। बस इतना ही कलर लाना है, अगर इससे ज़्यादा कलर तक फ्राई करेंगे तो बालू शाही का कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरह की फ्लेकी और खस्ता बालू शाही बन रही है। तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। बालू शाही को बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए चाशनी बिल्कुल रेडी है, बट ये हल्की गुनगुनी से ठंडी हो चुकी है, तो हमें हल्की सी गुनगुनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक मिनट के लिए गैस पर रख दिया है और अब हम इसमें ये गर्मा गर्म बालू शाही जो हमने फ्राई की है उनको डाल देंगे। गर्म बालू शाही ही डालनी है, गर्म गर्म होंगी तभी अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब करेंगी। चाशनी गर्म हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है। दो से तीन मिनट तक एक तरफ रहने के बाद हम इनको पलट देंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट बनाई है चाशनी की, अगर आप बहुत ज्यादा बनाएंगे तो वो बाद में वेस्ट हो जाती है। और अगर चाशनी बच भी जाए तो मैं आपके साथ लेफ्ट ओवर चाशनी की जो रेसिपीज है वो भी शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से अलट पलट कर चाशनी को एब्जॉर्ब करने देंगे। तो मैं इन्हें कवर करके एक घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी और साइड पर रख दूंगी। तो बालू शाही को शुगर सिरप में लगभग एक घंटा हो चुका है और ये देखिए किस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है इसने शुगर सिरप। आप देख सकते हैं काफी कम रह गया है शुगर सिरप, सिर्फ नीचे नीचे दिख रहा है। और ये देखिए बालू शाही किस तरह से जूसी हो गई है। तो पहले इन्हें किसी प्लेटर में निकाल लूंगी। तो ये देखिए बालू शाही ने सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए हम बालू शाही को सर्व कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसे निकाल लेंगे। देखिए ना तो हमने इन्हें कोई कलर में डाला है, ये इनका बिल्कुल नेचुरल कलर है, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बिना कलर के ही बालू शाही कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये देखिए मैंने बालू शाही को सर्व कर लिया है। तो ये देखिए बस इतना सा शुगर सिरप बचा है, बाकी सारा बालू शाही ने एब्जॉर्ब कर लिया है, लगभग आधा कप के करीब होगा, बस उससे ज्यादा नहीं बचा। तो मैं इस बालू शाही को बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है और चाशनी के कारण ये पिस्ता जो है स्टिक हो जाता है। तो बालू शाही को कम से कम एक घंटे के लिए शुगर सिरप में जरूर रखें। तो ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए अंदर तक जूसी है, ये देखिए इसमें किस तरह से चाशनी अंदर तक गई हुई है। तो ये देखिए काफी फ्लेकी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं और इसमें चाशनी देख सकते हैं। और अगर आप भी घर पर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।